बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और लशपश होंगे और अपनी प्रिपरेशन जो है वो भी आपने जो है वो स्टार्ट की हुई होगी। और जैसे कि आपको पता है कि मैंने आपको पर्सोना की बुक भी स्टार्ट करवाई थी और उसके 5 चैप्टर मैंने आपको करवाए थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना उसको भी कंटिन्यू किया जाए। कुछ लोग की डिमांड थी मैम कारवान की बुक और पर्सोना की बुक को भी कंटिन्यू किया जाए, तो मैंने सोचा कि आप लोगों की बात मानी जाए। और पर्सोना की बुक का आज एक चैप्टर मैं आपके साथ लेके आई हूँ, एजुकेशनल टैक्सोनॉमीज। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। नंबर 1 है एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स कैन बी डिवाइडेड इन। अच्छा जी, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स जो सी हैं कैन बी डिवाइडेड इन डैश डोमेन्स। कितने डोमेन्स में इनको डिवाइड किया जाता है? 3 में। कौन कौन सी हैं? वो कॉग्निटिव डोमेन है, ठीक है, और दूसरा अफेक्टिव डोमेन है, और तीसरा साइकोमोटर डोमेन है। सेकेंड है एजुकेशनल डोमेन्स आर। अच्छा, ये आगे उनके नेम भी आ गए हैं, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर। डी ऑप्शन ऑल ऑफ देम, तो ये ऑल ऑफ देम आएगा। तो ये कॉग्निटिव डोमेन कंसर्न विद माइंड, कॉग्निशन माइंड से रिलेटेड है, ठीक है, सोचने से रिलेटेड है। तो ये माइंड जो है इससे रिलेटेड हम कॉग्निटिव डोमेन को याद रखेंगे। उसके बाद है कॉग्निटिव डोमेन इज़ डिवाइडेड इन 6 सब ग्रुप्स बाय ब्लूम इन 1956। कॉग्निटिव डोमेन जो है वो ब्लूम ने उसको 6 सब ग्रुप्स में डिवाइड किया था। किस ईयर में किया था? 1956 में। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ जो है वो याद करवाती हूँ, इससे आपको कभी भी ये डोमेन नहीं भूली थी। उनके कितने सब भूलेंगी, कितने सब ग्रुप्स हैं वो कैसे याद रखने हैं अभी आप देख लें। अच्छा जी, पहली है कॉग्निटिव डोमेन, इसको हम रखेंगे सी के साथ। दूसरी है अफेक्टिव, उसको ए के साथ। तीसरी है साइकोमोटर डोमेन, पी के साथ। तो ये क्या वर्ड बन गया? कैप। क्या वर्ड बन गया? ये कैप, ठीक है। सी मीन कॉग्निटिव, ए मीन अफेक्टिव और मी मीन पी मीन साइकोमोटर। अच्छा जी, अब कितने सब ग्रुप्स हैं हर एक के वो हम याद रखेंगे, मैं आपको अभी बता देती हूँ। 657, ये आपने याद रख लेना है। 657 यानी कि कॉग्निटिव डोमेन के 6 सब ग्रुप्स हैं, सब डोमेन आप कह लो, या अफेक्टिव के 5 हैं और साइकोमोटर के 7 हैं। कैप वर्ड 657, ये सब ग्रुप। अब इनका ईयर आपने कैसे याद रखना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। अच्छा जी, कॉग्निटिव डोमेन जो है आपने पहला आपने याद रखना है 1956, ठीक है। अब 1956 में आपने 8 को ऐड करना है तो वो बन जाएगी अफेक्टिव डोमेन का ईयर। फर्दर 8 ऐड करेंगे तो वो बन जाएगा साइकोमोटर डोमेन का ईयर, ठीक हो गया। 56 में 8 ऐड करें, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, ठीक है। 1964 अफेक्टिव का, उसमें फिर 8 ऐड करेंगे तो 1972 बन जाएगा, वो हो जाएगा साइकोमोटर डोमेन का ईयर, ठीक हो गया। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी। कैप का वर्ड आपने कॉग्निटिव डोमेन के नाम के लिए, 657 इनके सब ग्रुप के लिए, और ये जो ईयर है आपने जस्ट 88 ऐड करते जाना है, तो ये उनके ईयर जो हैं वो आपको कभी भी नहीं भूलेंगे। और यहाँ से क्वेश्चन लाजमी आता है, इसलिए आप इस ट्रिक से याद रखेंगे तो कभी भी नहीं भूलेगा, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब चलते हैं नेक्स्ट। 5 है द फर्स्ट स्टेप इन कॉग्निटिव डोमेन इज़। जी, फर्स्ट स्टेप जो है वो नॉलेज है, ठीक है। इसके 6 सब डोमेन्स हैं, नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन। तो पहला है को नॉलेज। तो रिमेंबरिंग ऑफ प्रीवियसली लर्न मटेरियल इज़ कॉल्ड नॉलेज। नॉलेज जो है वो लोएस्ट लेवल है, तो इसमें जस्ट हमने रिकॉल करना होता है चीज़ों को जो हमने पहले याद की हुई होती हैं। 7 है लोएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग इन कॉग्निटिव डोमेन, तो ये भी नॉलेज है, लोएस्ट लेवल नॉलेज है। और हाइएस्ट जो है वो इवेल्युएशन है। सेकेंड स्टेप ऑफ कॉग्निटिव डोमेन इज कॉम्प्रीहेंशन, ठीक है। कॉम्प्रीहेंशन में क्या होता है? द एबिलिटी टू ग्रैस्प द मीनिंग ऑफ द मटीरियल, यानी कि अब हमने कॉम्प्रीहेंशन में चीज़ को समझ के पढ़ना है, ठीक है, उसके मीनिंग को समझना है, तो इस एबिलिटी को हम कहते हैं कॉम्प्रीहेंशन। द थर्ड स्टेप ऑफ कॉग्निटिव डोमेन इज एप्लीकेशन, ठीक है। थर्ड स्टेप क्या है? एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में क्या होता है कि जो चीज़ हमने लर्न की है उसको हमने अप्लाई भी करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मैथ का कोई फार्मूला है तो फार्मूला तो हमने याद कर लिया, अब उसको जब हमने क्वेश्चंस देखना है तो उसको अप्लाई करने का जो तरीका है, जिसको अप्लाई करना है, हमने एप्लीकेशन करनी है उसको फार्मूले के क्वेश्चन में, तो होगा एप्लीकेशन, ठीक हो गया। उसके बाद है द एबिलिटी टू ब्रेक डाउन मटेरियल इनटू इट्स कंपोनेंट पार्ट्स सो दैट इट्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर मे बी अंडरस्टैंड। ब्रेक डाउन द मटेरियल, ठीक है, एनालिसिस करना। मसलन आपने पेपर दिया, ठीक है, आपके 2-3 क्वेश्चन गलत हो गए, घर आके आपने सोचा कि मेरे ये क्वेश्चन जो गलत क्यों हुए, अगर मैं ये करता तो ये हो जाता, ठीक है। यानी कि हम चीज़ों को ब्रेक डाउन करके देख रहे होते हैं कि ये चीज़ हमारी क्यों गलत हुई है, यहाँ पे ये मिस्टेक हुई, हम एनालिसिस कर रहे होते हैं, ठीक हो गया। तो ब्रेक डाउन मटेरियल, इसको हम कहते हैं एनालिसिस।
फोर्थ स्टेप ऑफ कॉग्निटिव डोमेन। अच्छा ये नेक्स्ट वही पूछ रहे हैं, फोर्थ स्टेप ऑफ कॉग्निटिव डोमेन कौन सा है, एनालिसिस हो गया। अच्छा जी नेक्स्ट है फिफ्थ स्टेप कौन सा है, सिंथेसिस है। सिंथेसिस में हम ऑर्गेनाइज करते हैं चीज़ों को, पुट टुगेदर करते हैं, इकट्ठा करते हैं। द एबिलिटी टू पार्ट्स टुगेदर, पुट पार्ट्स टुगेदर टू फॉर्म ए न्यू होल, सिंथेसिस। ठीक हो गया, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था लेक्चर एजुकेशन के 2020 वाले पेपर में कि एबिलिटी टू डिज़ाइन द लेबोरेटरी, ठीक है ये सिंथेसिस था उसका आंसर। तो उसमें भी डिज़ाइन हम करते हैं चीज़ों को, हम सिंथेसाइज करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, तो वो भी सिंथेसिस में आएगा। फिफ्थ स्टेप सिंथेसिस है, ठीक हो गया। द एबिलिटी टू जज द वैल्यू ऑफ मटेरियल, जब भी जजमेंट का वर्ड, वर्थ का वर्ड, डिसीजन मेकिंग का वर्ड जब आ जाए तो आपने इवेल्युएशन को टिक करना है। और ये सबसे फाइनल और सिक्स स्टेप ऑफ कॉग्निटिव डोमेन का ये सब डोमेन है, ठीक हो गया। उसके बाद हाईएस्ट लेवल, वो भी इवेल्युएशन ही है, ठीक है। हाईएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग आउटकम ऑफ कॉग्निटिव हायरार्की इज इवेल्युएशन। 19 है द डोमेन विच डील्स विद एटीट्यूड्स लाइक लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग, हैबिट, वैल्यूज एंड फीलिंग्स। जितनी भी अब एटीट्यूड से रिलेटेड, हमारी वैल्यूज से रिलेटेड, हमारी फीलिंग्स वगैरह से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो डोमेन किस में आएंगी, अफेक्टिव में आएंगी, ठीक हो गया। अच्छा इसको हम 3H के नाम से भी याद रख सकते हैं, कैसे, यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ 3H, ठीक हो गया। 3H मैंने मीन क्या आएगा वो मैं आपको बताती हूँ अभी। एक आ जाएगा हेड, ठीक है ये आ गया हमारा कॉग्निटिव मेन, इनके माइंड से रिलेटेड। दूसरा आ जाएगा हार्ट, ये आ जाएगा हमारा अफेक्टिव, यानी कि वैल्यू से, एटीट्यूड से, हैबिट से, फीलिंग से, ठीक हो गया। तीसरा आ जाएगा हमारा हैंड, इनके फिज़िकल एबिलिटीज़, जितनी भी हम करते हैं मोटर, अपने हैंड, हाथ पांव को हिलाते हैं, अपने जिस्म को यूज़ करते हैं, जितनी भी एक्टिविटीज़ हम करेंगे वो आ जाएगी साइकोमोटर डोमेन में। तो इसको हम याद रखेंगे हैंड से, ठीक है। तो 3H से भी हम इसको याद रख सकते हैं, हेड, हार्ट और हैंड, कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन, ठीक हो गया। अच्छा जी 20 है द अफेक्टिव डोमेन डिवाइडेड बाय क्रैथवॉल 1964, ठीक हो गया। अच्छा पहली जो कॉग्निटिव डोमेन है वो ब्लूम ने दी थी, सेकंड जो अफेक्टिव है वो क्रैथवॉल ने, और तीसरी जो है वो सिम्पसन ने दी थी 1972 में। अच्छा ये जो डोमेन है ना, यहाँ से 4-5 नंबर का क्वेश्चन, बल्कि ज़्यादा का ही क्वेश्चन आया हुआ था 2020 वाले जो लेक्चर एजुकेशन का टेस्ट है उसमें 5-6 नंबर का, मैं बल्कि कहूँगी शायद ज़्यादा का ही आया हुआ होगा टेस्ट। तो ये चैप्टर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपने इसको एक दो दफ़ा लाजमी सुनना है, ठीक है ध्यान से। तो अफेक्टिव डोमेन जो है उसकी मैंने आपको डेट याद रखने का, ईयर याद रखने का तरीका बता दिया था, 1964 है। अफेक्टिव डोमेन के 5 लेवल हैं, 657 से आपने याद रख लेना है। फर्स्ट स्टेप कौन सा है, रिसीविंग है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप ऑफ अफेक्टिव डोमेन इज़ रिसीविंग, और रिसीविंग में क्या होता है, स्टूडेंट्स विलिंगनेस टू अटेंड ए पर्टिकुलर फिनोमेना। अच्छा इसका दूसरा नाम हम अटेंडिंग भी आ सकता है, हो सकता है इसका अटेंडिंग आ जाए तो आप कहोगे कि अटेंडिंग तो है ही नहीं था इसका, फर्स्ट स्टेप रिसीविंग था। तो अटेंडिंग या रिसीविंग ये दोनों ही, इन दोनों का मतलब एक ही है। तो फर्स्ट स्टेप ऑफ अफेक्टिव डोमेन इज़ रिसीविंग या फिर अटेंडिंग। इसमें बच्चा जो होता है वो विलिंग होता है किसी भी पर्टिकुलर फिनोमेना को रिसीव करने के लिए, तो ए ऑप्शन आ जाएगा रिसीविंग। उसके बाद है दिस रेफर्स टू एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑन द पार्ट ऑफ स्टूडेंट्स। अब इसमें स्टूडेंट्स जो है रिस्पोंडिंग, बच्चा जो चीज़ परसीव कर रहा है, जो उसने सीखी है, अगर वो वाकई इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है तो वो रिस्पोंड भी करेगा, ठीक है। रिस्पोंडिंग सेकेंड स्टेप है, तो ये नेक्स्ट आ गया, सेकेंड स्टेप इन अफेक्टिव डोमेन इज रिस्पोंडिंग। थर्ड स्टेप इन अफेक्टिव डोमेन इज़ वैल्यूइंग। अच्छा ये आपको ना इनके नाम भी याद होने चाहिए कि कितने सब ग्रुप्स और इनके नाम क्या है, रिसीविंग, रिस्पोंडिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजेशन, ओरिजिनेशन और करेक्टराइजेशन, ठीक हो गया। ओरिजिनेशन और करेक्टराइजेशन, ये इसके 5 सब डोमेन्स हैं, ये सब ग्रुप्स आप कह लें, ये स्टेप्स कह लें, तो ये भी आपको पता होने चाहिए। लेकिन क्वेश्चन वैसे ज़्यादातर जो है ना वो कॉग्निटिव डोमेन से आता है, ठीक है। तो लेकिन ये भी आपको पता होने चाहिए, इनके नेम जो है वो लास्ट टाइम आए हुए थे कि इनका करेक्ट ऑर्डर क्या है इफेक्टिव डोमेन का, तो ये भी पूछा जा सकता है। या फिर साइकोमोटर डोमेन के जो स्टेप्स हैं उनका करेक्ट ऑर्डर क्या है, तो ये आपको इनके नेम ज़रूर आने चाहिए, ठीक है। थर्ड स्टेप जो है वैल्यूइंग है, इट इज़ कंसर्न विद द वर्थ और वैल्यू ऑफ स्टूडेंट अटैचेस टू ए पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट आर फिनोमेना इज कॉल्ड वैल्यूइंग, सी ऑप्शन। मसलन बहुत सारी किताबें हैं, ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ छोटी सी वैसे खुद से एग्जांपल दे रही हूँ, उसमें आपको हो सकता है कि इंग्लिश की किताब बहुत पसंद हो, ठीक है, आप उसको बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हो तो आप उसको बहुत ज़्यादा टाइम लगा के पढ़ोगे भी, ठीक है। वैल्यू देना किसी पर्टिकुलर चीज़ को या पर्टिकुलर फिनोमेना को। नेक्स्ट है फोर्थ स्टेप इन अफेक्टिव डोमेन इज ऑरिजिनेशन, ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी ऑर्गेनाइजेशन है ये, मैं ओरिजिनेशन बोल रही थी बार बार,
ऑर्गेनाइजेशन है वर्ड, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन के नाम से आपको लग रहा है ऑर्गेनाइज करना, इकट्ठा करना चीज़ों को, ब्रिंगिंग टुगेदर डिफरेंट वैल्यूज़, मुख्तलिफ वैल्यूज़ को इकट्ठा करने को हम क्या कहेंगे, ऑर्गेनाइजेशन। बिल्डिंग इंटरनल कंसिस्टेंट वैल्यू सिस्टम, वही चीज़ बिल्ड करना, ऑर्गेनाइज करना, एक ही चीज़ है, सिनोनिम्स हैं एक दूसरे के, आप कह लो कि एक ही मीनिंग है इनका। ऑर्गेनाइजेशन लास्ट और फाइनल स्टेप इफेक्टिव डोमेन में आ जाता है, करेक्टराइजेशन, ठीक हो गया। नेक्स्ट है जी, द डोमेन इज़ कंसर्न विद मोटर स्किल्स, हाँ जी, हमारी हैंड से रिलेटेड, 3H की जो बात मैंने ऊपर की है, हमारी फिजिकल एक्टिविटी, हमारी बॉडी को यूज़ करते हुए, हाथ पांव को हिलाते हुए, जितनी भी हम स्किल्स करेंगे वो आ जाएंगी साइकोमोटर डोमेन में, ठीक है। साइकोमोटर डोमेन के 7 सब ग्रुप्स हैं, और उसको सिम्पसन ने दिया था 1972 में, ये क्वेश्चन आया हुआ था कि किसने दिया था, सिम्पसन ने ये साइकोमोटर डोमेन दी थी। फर्स्ट स्टेप इसका है परसेप्शन, ठीक है। दिस इज़ कंसर्न विद द यूज़ ऑफ सेंस ऑर्गन्स टू ऑब्टेन क्यूज दैट गाइड मोटर एक्टिविटी, इसमें सेंसेस को यूज़ करते हुए जो हम चीज़ परसीव करेंगे वो होगी परसेप्शन, ठीक है। उसके बाद जी सेकेंड स्टेप इन साइकोमोटर डोमेन इज सेट, ठीक है। दूसरा जो स्टेप है साइकोमोटर डोमेन में वो है सेट। तीसरा है जी, अच्छा वही है, दिस रेफर्स टू रेडीनेस टू टेक पर्टिकुलर टाइप ऑफ एक्शन। अच्छा अब इस स्टेप में क्या होगा कि हम पहले में परसेप्शन में तो था कि हम जस्ट सोचते हैं कि ये काम हमने करना है, ठीक है। अब इसमें आप रेडी भी हैं उस पर्टिकुलर फिनोमेना को करने के लिए, ठीक है, तो ये सेट है। थर्ड स्टेप है गाइडेड रिस्पॉन्स, इसमें क्या होता है कि आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत होती है उस काम को करने के लिए, आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत होगी, गाइड की ज़रूरत होगी, तो थर्ड है गाइडेड रिस्पॉन्स। दिस इंक्लूड अर्ली स्टेजेस फॉर लर्निंग स्किल, जी बिल्कुल, अर्निंग स्टेजेस है इनके, कोई भी हमने स्किल सीखनी है तो ये अर्ली स्टेजेस है ना, तो हमें किसी के हेल्प की ज़रूरत है, तो ये गाइडेड रिस्पॉन्स जो है वो अर्ली स्टेजेस में आ जाएगा। 40 है इमिटेशन ट्रायल एंड एरर्स कंसर्न विद, जी बिल्कुल, गाइडेड रिस्पॉन्स, इनमें हमारी मिस्टेक भी होंगी, ठीक है, हम कभी गलत करेंगे काम, कभी ठीक करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक साइकिल चलाना अगर हम सीख रहे हैं, हमें किसी की मदद की ज़रूरत है, तो हम साइकिल से गिरेंगे भी बार बार, ठीक है, कभी सही चल जाएगा, कभी गिर जाएंगे, तो ये ट्रायल एंड एरर, ठीक हो गया, जैसे थॉर्नडाइक ने ट्रायल एंड एरर की थ्योरी दी थी, ठीक है। तो वो हमें पता है कि इंसान जब गलती से ही सीखता है, तो गाइडेड रिस्पॉन्स। फोर्थ स्टेप जो है वो है मैकेनिज्म, ठीक हो गया। मूवमेंट पैटर्न आर लेस कॉम्प्लेक्स इन मैकेनिज्म, यानी कि इसमें भी जो चीज़ है वो हम करेंगे तो सही, लेकिन इतनी परफेक्टली अभी हमें वो काम करना नहीं आएगा। फिफ्थ स्टेप इन साइकोमोटर डोमेन इज कॉम्प्लेक्स ओवर्ट रिस्पॉन्स, अब इसमें क्या होगा, कॉम्प्लेक्स ओवर रिस्पॉन्स में हम चीज़ों को बगैर किसी हेल्प के उस स्किल को कर सकेंगे, ठीक है। मतलब हमें उस चीज़ का वो जो भी हम स्किल सीखने जाते हैं, साइकिल फॉर एग्जांपल है, तो वो हम खुद से चला सकेंगे बहुत अच्छे तरीके से, ठीक हो गया, जो हमने ऊपर सीखी थी। लर्न रिस्पॉन्सेज आर परफॉर्म स्किलफुली इन कॉम्प्लेक्स ओवर रिस्पॉन्स, ठीक हो गया। 45 है परफॉर्मेंस इज मेड विदाउट हेसिटेशन, वही बात आ गई, यानी कि जो स्किल हमने सीखी है, जो परफॉर्म हमने करना है, वो बगैर किसी हिचकिचाहट के, यानी कि वो साइकिल चलाना जो हमने सीखा है, अब बगैर किसी हिचकिचाहट के जो है वो हम चला सकेंगे, हम गिरेंगे नहीं, ठीक हो गया। सिक्स्थ स्टेज इन साइकोमोटर डोमेन इज अडेप्टेशन, ठीक है। स्किल्स आर सो हाईली डेवलप्ड दैन इंडिविजुअल कैन मॉडिफाई मूवमेंट, अच्छा अब इसमें अडेप्टेशन में क्या होगा कि स्किल जो हमने सीखी है ना साइकिल, वो इतनी अच्छे से हमें आगे हो सकता है कि हम साइकिल चला रहे हैं तो हम मोटरसाइकिल भी चलाना सीख जाएं, ठीक है ना, क्योंकि हमारी इतनी वो स्किल इतनी हाईली डेवलप हो गई है कि उस मूवमेंट को हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं, अडेप्टेशन। सेवन्थ है ओरिजिनेशन, ठीक है। सेवन्थ स्टेप जो है, इनके लास्ट स्टेप जो है साइकोमोटर डोमेन का, वो है ओरिजिनेशन। अब ओरिजिनेशन में क्या होता है, ओरिजिनेशन आपको नाम से लग रहा है ओरिजिनेट करना, ठीक है। क्रिएटिंग ऑफ न्यू मूवमेंट पैटर्न्स टू फेस ए स्पेसिफिक प्रॉब्लम, अब हमें कोई मसला आ रहा है ना, तो हम उसका खुद से उसका हल निकाल सकते हैं, यानी कि इसमें अब आगे से आप कह सकते हैं ना क्रिएटिव, आप कोई भी चीज़ करना, क्रिएटिव थिंकिंग करना, क्रिएटिव वर्क करना, तो यहाँ पे वो चीज़ आ जाएगी कि अब हमने कोई प्रॉब्लम अगर हमें आती है कोई भी चीज़ चलाने में, तो हम खुद से उसका हल निकाल लेंगे, ठीक हो गया, ओरिजिनेशन। इसके बाद क्रिएटिंग ए म्यूज़िकल कंपोजिशन, जी एक म्यूज़िकल, जो म्यूज़िकल कंपोजिशंस होती हैं, जो भी धुनें होती हैं म्यूज़िकल, उसको हम क्रिएट कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा ओरिजिनेशन, ठीक हो गया। क्रिएटिंग ऑफ न्यू मूवमेंट पैटर्न्स टू फेस ए स्पेसिफिक प्रॉब्लम, अगेन वही बात आ गई है, न्यू मूवमेंट को क्रिएट करना, किसी भी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को अगर फेस हमें करनी पड़ जाए, उसको हमने कैसे सॉल्व करना है, तो वो है ओरिजिनेशन, कि कोई भी मसले का हल हम निकाल सकेंगे खुद से।
उसके बाद है जी सोलो स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर ऑफ ऑब्जर्व लर्निंग आउटकम्स, ये भी क्वेश्चन आ जाता है, ये भी आपने रट लेना है, याद कर लेना है। सोलो टैक्सोनॉमी जो है इससे रिलेटेड दो तीन क्वेश्चन आ जाते हैं। सोलो टैक्सोनॉमी 1982 में बिग्स एंड कॉलिस ने दी थी, ठीक है, 1982 में, और इसमें स्टूडेंट्स की हम परफॉर्मेंस को जो है वो जज करते हैं, ये भी क्वेश्चन आ जाता है। और ये किसने दी थी, बिग्स एंड कॉलिस ने, ऑलरेडी आ गया। अच्छा, ये बड़ा डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है कि सोलो टैक्सोनॉमी के लेवल कितने हैं, कहीं पे 4 दिए होते हैं, कहीं पे 5 है, तो अब जो है ना वो 5 ही हैं, ठीक है, प्री स्ट्रक्चरल, यूनि स्ट्रक्चरल, मल्टी स्ट्रक्चरल, रेशनल और एक्सटेंडेड अब्स्ट्रैक्ट, ठीक हो गया। तो नेक्स्ट है, वन एस्पेक्ट ऑफ ए टास्क इज पिक्ड अप और अंडरस्टूड सीरियली। अब वन एस्पेक्ट से आपने याद रख लेना, यूनि स्ट्रक्चरल ही आएगा, यूनि का मतलब वन, तो वन एस्पेक्ट जब हम एक टास्क को समझ लेंगे, ठीक है, सोलो में, तो वो है यूनिस्ट्रक्चरल। 55 है, टू आर मोर तो मल्टी स्ट्रक्चरल आ जाएगा, ठीक है, अगर दो या दो से ज़्यादा एस्पेक्ट को हम अगर समझ रहे हैं तो वो है मल्टी स्ट्रक्चरल। और टू आर मोर एस्पेक्ट्स ऑफ ए टास्क आर इंटीग्रेटेड, अब वो दो या दो से ज़्यादा जो टास्क है हम उनको कैसे एक दूसरे से जोड़ के एक नया कॉन्सेप्ट हमें अगर समझ आता है, नया एक चीज़ बनती है, स्ट्रक्चर बनता है मीनिंगफुल वे में, उसको हम कहेंगे रिलेशनल। दैट कोहरेंट होल इज़ जनरलाइज टू ए हायर लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, अब वो जो चीज़ एक बनी है उसको हम जनरलाइज कर लेंगे एक मुकम्मल ऐसी चीज़ में, मतलब जो चीज़ हमें नज़र भी नहीं आ रही लेकिन हमें उसका कॉन्सेप्ट टोटली हमारे माइंड में बन गया है मुकम्मल तौर पर, उसको हम कहेंगे एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स। साइकोमोटर डोमेन डील्स विद प्रैक्टिकल स्किल्स, ठीक है, मोरल डेवलपमेंट ऑफ ए लर्नर इज लिंक्ड टू इफेक्टिव डोमेन, मोरल डेवलपमेंट में क्या होता है, राइट और रॉन्ग की बात की जाती है, क्या ठीक है क्या गलत है, ठीक है, हमारी वैल्यूज़ से रिलेटेड जितनी हमारी चीज़ें, हमारी फीलिंग से रिलेटेड, तो ये सारा मॉरल में आ जाता है, मॉरल डेवलपमेंट में आ जाता है, तो ये अफेक्टिव डोमेन है, ठीक हो गया। तो हमने इसमें जो पढ़ी है कॉग्निटिव, साइकोमोटर और अफेक्टिव डोमेन, ये आपने तीनों याद रखनी है, किस ईयर में हुआ और किसने दिए और इसके स्टेप्स कितने हैं, ठीक है, और उनकी तरतीब, ये क्वेश्चन जो है वो आ जाते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये तो बिल्कुल भी स्किप नहीं किया जाता किसी भी टेस्ट में, किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम में ये बिल्कुल भी मिस नहीं किया जाता। सो आपने इसको फर्स्ट प्रायोरिटी पे जो है इसको देख लेना, 59 ही क्वेश्चन थे इसके, ठीक है। मैंने आपको ये भी बता दिया कि क्वेश्चन किस किस तरह का आता है, लास्ट टाइम 2020 में जो पेपर आया था वहाँ से 6-7 क्वेश्चन जो है वो इसी चैप्टर में से आए हुए थे, ठीक हो गया। तो इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट भी मैं परसोना की जो रिमेनिंग चैप्टर वो भी आपके साथ शेयर करूँगी और इंपॉर्टेंट मटेरियल भी जल्दी शेयर करूँगी। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। इसके साथ मैं आपको कहूँगी अल्लाह हाफिज़, लेकिन उससे पहले मैं आपको कहूँगी अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा और फीडबैक भी अपना ज़रूर दिया करें कमेंट सेक्शन में, ताकि हमें इंकरेजमेंट हमारी होती रहे और मोटिवेशन मिलती रहे। ओके, अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।